जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं जी आप सब बिल्कुल बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। आज कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके इस फाउंडेशन बैच का लेक्चर नंबर 7 है, यानी कि पिछले 6 दिनों में हमने अलग अलग कैलकुलेशन के जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग अप्रोचेस कह लें, अलग अलग चीज़ें कह लें, अलग अलग हाँ अलग अलग पोर्शन कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन आपका अलग केस हुआ, स्क्वायर क्यूब ये चीज़ें अलग हुई, परसेंटेज बेस्ड ये आपका अलग हुआ है ना, फ्रैक्शंस डेसिमल ये आपके अलग पोर्शन हुआ। तो इनमें क्या है कि हम अलग अलग पार्ट पे हम लोग काम कर चुके हैं। आज वक्त है आप इन चीज़ों को जितना सीखे हैं उसको दिखाने का वक्त है। आज आप सब लोग परफॉर्म करोगे, आज आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म ही करना है। 25 सवाल टोटल आप सबको परफॉर्म करने हैं, कितनी जल्दी कर पा रहे हो, कितना कंपटीशन की भावना है, इन सारी चीज़ों का आज आप सारे लोग बिल्कुल खतरनाक तरीके से परफॉर्मेंस आप लोग करने वाले हैं। अब बस आपसे जानना है कि आप तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि एक क्विज होगी। अब आपके लिए इसमें नियम इतना है कि पहले हम शुरुआत में आपको 20 सेकंड का टाइमर देंगे, बाद में हम टाइमर घटा देंगे, ठीक है ना। शुरू के 10 सवाल तक हम आपको 20 सेकंड का टाइमर देंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 5 सेकंड और कम कर देंगे। तो होता ना कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आपके जो कोई भी गेम भी अगर आप खेलते हैं तो उसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है। बस वही पहले एक बिगनर कहीं परफॉर्म कर पा रहा है 20 सेकंड में कि नहीं, क्योंकि सवाल जो आपके सामने शुरुआत है आज लेवल 1 मैंने रखा है। यूजुअली आप ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे कि क्लरिकल प्रीलिम्स भी होता है तो चूंकि सिंप्लीफिकेशन के सवाल क्लरिकल प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं, है ना, जितने आपके क्लरिकल लेवल के एग्जाम होते हैं उनकी प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन, और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी मान लीजिए, जैसे कि SBI क्लर्क का सिंप्लीफिकेशन होगा वो थोड़ा कंपैरेटिवली, RRB क्लर्क हुआ, RBI असिस्टेंट हुआ, ESIC का पेपर हुआ, इनके मुकाबले थोड़ा सा उसका लेवल 2 उसी को मैंने रखा है जो कल करने वाले हैं। लेवल 1 का मतलब आपके सामने बेहद सरल सरल आपके कैलकुलेशन होंगे। बस वही होता है ना कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5×3=15 ही लिखोगे, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है 5×3 आप जल्दबाजी में 8 लिख दें, है ना। ऐसा नहीं कि आपको 5×3=15 नहीं पता था, बस क्या था कि है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है तो हो जाता है कई दफ़ा, ठीक है भाई। आइए जी आज शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथ ही साथ अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन। और आप सभी को सलाह रहेगी कि दोस्तों 19 तारीख से फाउंडेशन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं, दक्ष 1.0 मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए चैंपियन 1.0, इंग्लिश के लिए अंग्रेजी मीडियम 1.0 और GA के लिए वॉरियर 1.0। ये आपका 2022 का 1.0 की सारी सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है 19 तारीख से। तो जो बच्चे अभी फाउंडेशन बैचेस में नहीं एनरोल कराए हैं, जिनका टारगेट IBPS और SBI के एग्जाम है, उन छात्रों के लिए अभी स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख से, सबको ज्वाइन करना है, सबको क्लासेस लेने हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। आइए जी शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज हम कोई कंसेप्ट वगैरह पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, आपको बस ताबड़तोड़ परफॉर्म ही करना है। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप एक बार जल्दी से सारे लोग सेशन को लाइक भी टच कर दें, शेयर भी कर दें। 5-5 सवालों के बाद ही थोड़ा थोड़ा विराम लिया जाएगा, 5 सवाल रगड़ के एकदम उड़ाना है, बड़े स्तर पर उड़ाना है। आप सबसे बस बताया जाए कि तैयार है कि आप सारे लोग के नहीं, क्योंकि अब आपको हम बता दें दोस्तों, ध्यान रखिएगा RBI असिस्टेंट का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आ चुका है, सब लोगों ने देख भी लिया होगा, आज से फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। तो अब लगभग अब समझ लीजिए कि अपने है ना, अब चीज़ें पिकअप में आ गई हैं, आपको भी बिल्कुल रिदम में आ जाना चाहिए। अब आइए आपके सामने बस इस चीज़ का जवाब चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में, आप सभी से एक बार खींच के बताया जाए भाई, कमेंट बॉक्स में एक बार आप सभी बताएं कि तैयार हैं आप सारे लोग, ठीक है। अरे इसमें इस जो YouTube पे पोल होता है उसका कोई विशेष लेना देना नहीं होता है ना, आप ऐसे कमेंट सब पोल से ज़्यादा बढ़िया तो आप ऐसे ही मतलब ओपन चैट है ऐसे ही आप सारे लोग कर सकते हैं, है ना, उस पोल से कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए हम YouTube पे बस शुरुआत भी हमने की थी YouTube पे। अगर आपको कोई पुराना बच्चा हो तो उसको याद होगा कि YouTube पे पोल वाला सिस्टम YouTube ने नया नया जब फीचर दिया था उस टाइम हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसको बाद में यूटिलाइज़ करने के बाद देखा मैंने, जब यूज़ करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट आता नहीं है ना, वो तो मुझे अगर चेक करना हो कि कितना परसेंट ऑप्शन है कितना परसेंट ऑप्शन भी दो चीज़ों में तो वो बेहतर हेल्प करता है। बाकी YouTube पे जो पोल होता है उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, तुम्हारे सवाल में तो 5 ऑप्शन होता है, तो वैसे भी मज़ा नहीं आएगा, है ना। आइए जी सबसे पहले शुरुआत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के साथ, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, पहले 20 सेकंड का टाइमर ही आपका कॉम्पिटिटर है, ध्यान रखिएगा। चलो
महापैक में वो, हाँ महापैक में ही रहता है वो, जितने भी बैचेस होते हैं हमारे सब बैंक महापैक में होते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो यहां पे आंसर आना शुरू हो गया है ताबड़तोड़ तरीके से। फिर से समझ ले दोस्तों, टाइमर ही आपका मेन कॉम्पिटिटर है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर टाइमर से आप जीत गए तो समझ लो तैयारी बहुत शानदार चल रही है आपकी। यहां पे आते हैं सिंपली नॉर्मल प्रोसेस, ऐड करना है, डिवाइड बाय एक्स है। देखो यहां पे क्या लिखा भाई, जीरो जीरो कैंसिल ही हो जाएगा, आठ और छह मिलके हो गया चौदह के बराबर, एक कैरी, एक और एक मिलके दो हो गया, यहां पे दो लिख दिया, और छह और तीन मिलके हो गया नौ के बराबर, डिवाइड बाय एक्स लिखा हुआ है और बराबर लिखा हुआ है 33 के बराबर, बस इतनी कहानी। तीन को किस संख्या से मल्टीप्लाई करने पर चार आता है, ऑप्शन नंबर सी, इतना करना था और कुछ नहीं। भाई एक बात बताओ, जीरो जीरो तो हर जगह से कट जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई बच्चा नहीं समझ पाया कि जीरो कहाँ चला गया हमारा, तो जीरो देखो यहाँ भी रहेगा, जीरो यहाँ भी रहेगा, जीरो जीरो तो खत्म। अब बस आप इतना देखो, यूनिट डिजिट वगैरह पे भी फोकस किए रहना, है ना, यूनिट डिजिट वगैरह पे भी फोकस करें। यहाँ पे आखिरी अंक कितना है, तीन, यहाँ पे आखिरी अंक है चार। तीन को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे चार आता है, तो आपने कहा आठ से मल्टीप्लाई करने पे, इतना ही देखना था और आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पे। हर चीज पे विचार करते रहिएगा दोस्तों। अच्छा एक सेकंड रुक जाना, इस सवाल पे आने से पहले मुझे एक बात बता दो, कितने बच्चे हैं जो इसको इस तरीके से देख लिए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूरा का पूरा काटे होंगे इसको, और कितने बच्चे हैं जो बताओ पूरा का पूरा इसको काटे, मतलब काटने से मेरा मतलब यह है कि हाँ भाई एक बार पहले मैंने 11 से कैंसिल किया, एक बार जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले एक बार 11 से कैंसिल किए और बोले यहाँ पे 11 गुड़े 8 फिर 11 गुड़े 4 और दिन 3 से कैंसिल करके 28 लिखे, ऐसे कितने बच्चे हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे देख लिया सीधा 3 और 4, इसका मतलब 8 आएगा लास्ट में, ठीक। अब आइए जी, हर एक पॉइंट जो आपको सीखने को मिले उस पर नोट करके साइड में लिख लेना, ठीक है, ताकि आगे उसी को यूज करते रहें आप सब। खतरनाक तरीके से खींचना, एक बात ध्यान रखिएगा, लड़कियों ने पूरा काटा हुआ। अच्छा मतलब तुमको क्या लगता है लड़कियों को मतलब मैथ कमजोर होती है, हाँ चलो कोई बात नहीं, आते हैं इस सवाल पे दोस्तों। यहाँ पे कितना लिखा है, सिंपली आप बोर्ड मास पे फोकस किए रहिएगा, 17.28 डिवाइड बाई एक्स ऐसे लिखा हुआ है, हाँ भाई क्या लिखा है यहाँ पे, 17.28 डिवाइड बाई एक्स, 17.28 डिवाइड बाई एक्स ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3.602, यानी हम क्या लिख सकते हैं 36 × 2 72 लिख सकते हैं, और 72 का मतलब 0.72 ऐसे कह सकते हैं हम लोग, बराबर लिखा हुआ है 200 के बराबर। अब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना ये इस साइड चला जाएगा, तो देखो यहाँ पे 17.28 लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ा रहे हैं, और बराबर इस डबल जीरो से ये दशमलव गायब होगा, 72 × 2 कितना आ जाएगा 144 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स लिखा हुआ है। आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या 1728, ये पूरा लिखा हुआ है हमारा 144, यानी ये 12 का स्क्वायर है, ये 12 का क्यूब। हम डेसिमल अगर भूल जाए तो हम यहाँ पे सीधा टर्मिनेट करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 12 के बराबर, और दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 2 अंक के बाद, जवाब हमारा कितना 0.12 के बराबर। डेसिमल बेस्ड हम लोगों ने कैलकुलेशन की है, अलग से ही मैंने यहाँ पे सीखा था कि हाँ भाई डेसिमल को कैसे डील करना होता है, डेसिमल भूल गए चटका दिया कहानी खत्म। अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। प्रीतम कुमार जी तुम किसका आंसर दे रहे हो मेरे लाल, हैं किसका आंसर आप दे रहे हैं, ये प्रीतम कुमार जी नाम भी तुम्हारा एकदम आरे आरे प्रीतम प्यारे, ठीक है भाई ऑप्शन डी शाबाश बेहतरीन। आइए जी इस सवाल पे, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 486 डिवाइड बाई एक्स के बराबर, 486 डिवाइड बाई एक्स के बराबर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना 7392, ठीक है, और डिवाइड बाई 66 के बराबर, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1008 के बराबर, इतना लिखा हुआ है। अभी कहानी खतरनाक सी होती हुई दिख रही हमें, है ना, लेकिन एक बात बताओ अगर हम यहाँ पे x को लेकर के चले जाएं उस साइड और 1008 को नीचे रख दें तो कितना आ जाएगा 486 मल्टीप्लाइड बाई 7392 और डिवाइड बाई कितना यहाँ पे आएगा 1008 और देन मल्टीप्लाइड बाई 66 और यही हमारे पूरे x की वैल्यू है। अगर हम इस इतने को पूरे पार्ट को अगर हम लोग कैलकुलेट करें ना तो भाई लिटरली आपको लग रहा है कि
वक्त तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन फिर भी हमने इसमें 20 सेकंड का टाइम दिया है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा होगा जो आपको दिख नहीं रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर आप पूरा करने पे गए तो आपको 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा ही लगेगा। तो हमने आपसे कहा ना आपकी थोड़ा निगाहें खुली रखा करो। इसमें देखो तो यूनिट डिजिट यहां पे क्या है, सबकी अलग अलग है, 1 2 3 4 5 दिख रहा ना यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, यहां से भी हमारा आंसर आ जाएगा। आप यहां पे बताओ न्यूमरेटर पे इकाई का अंक कितना आएगा, न्यूमरेटर पे यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, तो 6 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर पे यूनिट डिजिट 2 आएगी। डिनोमिनेटर पे यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 8 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगी। अब बताओ 8 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 2 आता है, क्या 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, बिल्कुल 8 × 4 = 32 होता है, यहां से 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहा। फिर से समझना दोस्तों, हमेशा पूरा का पूरा कैलकुलेशन नहीं किया जाता, कितने बच्चों की ध्यान, हाँ कितने बच्चों का ध्यान गया था इस चीज पे बताएं जल्दी से, कितने छात्रों की निगाह गई थी इस चीज पे और कितने छात्र हैं जो पूरा कैलकुलेट किए थे। अगर पूरा कैलकुलेट करोगे कभी 20 सेकंड में नहीं कर पाओगे, मानते हो ये बात सारे लोग, सब लोग मानते हैं इस बात पे, एग्री हो सब लोग, ठीक है। तो मतलब 2 सवाल देखो हम लोगों ने क्या किया, हाँ 2 सवाल हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट डिजिट से चटका दिया। तो कुल मिलाकर के इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हर समय हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, हमें अपनी निगाहें खुली रखनी होती हैं। चौथे सवाल पे आते हैं, टाइमर स्टार्ट। ये फ्री फाउंडेशन बैच नहीं, नहीं यार अब देखो अभी आप चलो इस पे हम लोग एक सेशन करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। अनुराधा दास जी, यूनिट मेथड जैसा कुछ होता नहीं है बेटा, आपको बस इकाई अंक दिखना चाहिए और कुछ नहीं। यूनिट डिजिट जैसे पिछले सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई मेथड जैसा कुछ थोड़ा है, आप बस इतना देखो कि लास्ट वाले नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 = 12 2 ही तो आएगा लास्ट में, यहाँ पे 8 × 6 = 48 लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 से बस देखो कितने, 8 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो 2 है, यही होता है यूनिट डिजिट, कोई मेथड अलग से थोड़े होता है। आप बस इकाई के अंक पे फोकस करना सीख जाए। 14 × 2/7% सभी लोग जानते हो कितना होता है, 1/7 होता है, ठीक है, 1/7 होता है ये, 1/7, और बगल में कितना लिखा हुआ है 4200। तो क्या आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर 1/7 of 4200 किया जाए, 1/7 of 4200 किया जाए यहाँ पे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 600 के बराबर, और 600 को डिवाइड करना है 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24 के बराबर, और यहां पे लिखा हुआ है x की पावर हाफ, और ये वैल्यू आ गई 25 के बराबर, और 25 x की पावर हाफ का मतलब वही होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखो इसमें क्या है कि वीरता दिखाने वाले बहुत सारे छात्र होते हैं जिनका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, एक बार हाथ हाथ ऊपर करो जल्दी से। हां अब ये क्या है, ये जज्बाती छात्र है, हमने बताया ना जज्बाती छात्रों का एक बड़ा वर्ग होता है, विशेष वर्ग होता है जज्बाती छात्रों का, मैंने कई दफा पूरा एक्सप्लेन किया है कि जज्बाती छात्र अपने आम जीवन में क्या क्या हरकतें करते हैं, है ना, डेली जो उनकी नियमित दिनचर्या है उसमें भी ये जज्बाती छात्र खतरनाक तरीके की गलतियां करते रहते हैं, और उन्हीं गलतियों को मैथ में भी इंप्लीमेंट करते हैं, बजाय इसके कि भाई स्क्वायर रूट कहां लगा हुआ है, उन्होंने सीधा देखा 25 और देख लिया अच्छा स्क्वायर रूट वाला मैटर है तो 25 का स्क्वायर रूट लेके चिपका दिया 5। अच्छी बात यह है कि यहां पे 5 ऑप्शन में दिया गया है, अगर ये 5 ऑप्शन में ना दिया होता तो ऐसे जज्बाती छात्रों का भरपूर प्रदर्शन होता कि ऑप्शन गलत है। अच्छा ऐसे लोग क्यों कह रहे हैं जज्बाती, उनका ऐसा नहीं कि उनका कंसेप्ट गड़बड़ है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू सपोज हमने यहां पे लिख दी 5 के बराबर, तो जाहिर तब ये x की वैल्यू लिख देंगे 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि यहां पे जब स्क्वायर रूट की x की वैल्यू 5 के बराबर थी तो यहां पे इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा था, लेकिन अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू 16 लिखे हैं तो x की वैल्यू ये 16 का स्क्वायर 256 नहीं लिखेंगे, ये लिख देंगे 16 का स्क्वायर रूट 4। अब बात समझ आ रही है, तो इस चीज पे ध्यान रखें दोस्तों, आपके सामने पूरा सॉल्व करने पे जो आया है अभी तक पूरा सॉल्व करने पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग दिया गया है, तो रूट यहां पे स्क्वायर रूट रूट जो लगा हुआ है वो एक्स के ऊपर लगा हुआ है, यानी जब हम एक्स की वैल्यू ले रहे होंगे, जब हम यहां पे एक्स की वैल्यू ले रहे होंगे तो एक्स इक्वल टू 25 का स्क्वायर होगा, और 25 का स्क्वायर 625 होता है, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है भाई। तो डी वाले ऑप्शन जो है उनको एक बार थोड़ा सा उनके प्रति विशेष सहानुभूति भी एक बार दे दिया जाए, है ना, हाँ उनको थोड़ा विशेष सहानुभूति उनके प्रति एक बार समर्पित कर दें, और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, टाइमर स्टार्ट। रफ्तार के साथ करना, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, टाइमिंग वगैरह जो क्लास की है दोस्तों वो आप देख लीजिएगा adda247.com पे जा करके।
रफ्तार बढ़ाएं ऐसे काम नहीं चलने वाला मेरे भाई। आरबीआई में हाँ 90% जाएगी कट ऑफ, और वो एक दिन के तुम ये मत सोचो कि 5 × 2 = 10 आता है तो हम वीर हैं, रगड़ के करना पड़ेगा। 15 सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं, सारी हाँ सारी जितनी भी वो है ना स्पीड एक्यूरेसी वही टेस्ट होती है। 35 का मतलब वहाँ 35 में मैथ में 35 ही होता है, क्योंकि जो स्पेस होता है ना गलत करने वाला वो अंग्रेजी में कर लेना गलत, क्योंकि वहाँ पे आप मैथ और रीजनिंग में गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। आरबीआई असिस्टेंट में मैथ और रीजनिंग में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, 35 मतलब सीधा 35 आउट ऑफ 35, और वो एक दिन से नहीं होगा कि हाँ हमें सब आता है हो गया, वो खतरनाक प्रैक्टिस होगा, पॉलिश करने से आता है ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अभी क्या दिख रहा है हमें, 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30, पूरा का पूरा हमने कैंसिल मार दिया, यहाँ पे कितना आ गया 3 के बराबर, लो जी बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, 7 × 6 कितना होता है, अब कुल मिला के एक्स की वैल्यू क्या होगी, 7 × 6 = 42, 8 × 3 = 24, तो एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना 42 × 8 = 3 = 24, कर दो भाई मल्टीप्लाई, 24 × 2 कितना होता है 48, 24 × 2 कितना होता है 48, 4 कैरी हो गया, 24 × 4 = 96, और 4 मिलके हो जाएगा 100 = 1008, ठीक है ना। तो अभी लेवल 1 ही चल रहा है आपका, ठीक है ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, अभी आप सिर्फ अपनी स्पीड दिखाएं और एक्यूरेसी दिखाएं अपनी। 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मैंने कहा था ना 5 कंप्लीट करने के बाद ही थोड़ा सा हम लोग विराम लेंगे। अब आप सभी से उम्मीद है एक बार जिन्होंने सेशन को लाइक, क्योंकि अभी सब परफॉर्म करने में व्यस्त थे, तो हमने 5 कंप्लीट कर लिए हैं, एक छोटा सा 10 सेकंड 20 सेकंड का विराम लेते हैं। उनमें आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने सेशन को अब तक लाइक नहीं किया है प्लीज एक बार सेशन के लाइक बटन पर टच करके, शेयर वाला बटन टच करके आगे बढ़ाएं सेशन में, बच्चों की संख्या बच्चों को और जोड़ें इसमें, ताकि कॉम्पिटिशन खतरनाक हो और आपको फील भी हो कंपटीशन होता क्या है। तो चलिए जी 20 सेकंड का टाइमर चलाते हैं, और इस 20 सेकंड में आपको यही दो काम करने हैं कि एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना है, तब तक हम भी शेयर कर दें और आप भी शेयर कर दें। चलिए एक बार बड़े स्तर पे कर दिया जाए दोनों भाई, उसके बाद फिर भयंकर तरीके से शुरुआत करते हैं आगे, ठीक है। नहीं किया ना, चलो इतना छोटा सा काम था, ठीक है। तो 5 कंप्लीट हो चुके हैं, 5 कंप्लीट हो चुके हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, और ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है, खींच के एकदम शाबाश। हाँ एकदम रगड़ देना भाई, लिटरली एकदम रगड़ देना, खींच के एकदम, अभी डेसिमल वाला जो हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन बेस्ड हम लोगों ने एक स्पेशल सेशन किया था इसी डिजिटल गुरुजी की क्लास में, है ना, डेसिमल और फ्रैक्शन बेस्ड, तो उसमें मैंने डेसिमल के लिए क्या कहा था कि भाई कुछ लोगों को ये सवाल ऐसे दिख रहा होगा और कुछ बच्चों को ये सवाल ऐसे दिख रहा होगा, बोलो भाई सब लोग थे, कुछ लोग को ये सवाल ऐसे दिख रहा होगा, जिनको ऐसे दिख रहा है वो तुरंत चटका दिए, उन्होंने कहा ये कितना हुआ, ये आ गया 25 के बराबर, और 25 × 5 तो इसका आंसर 125 ही आएगा। अब दशमलव का हेर फेर है कि दशमलव कहां लग रहा है, इसी का हेर फेर है ना। तो देखो उसके लिए आप देखो न्यूमरेटर पे दशमलव कितने स्थान के बाद 2 और 2 मिलकर के, ऊपर कितने स्थान के बाद 4, और नीचे कितने स्थान के बाद 1 स्थान के बाद, तो 4 में 1 घटा दो, दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा 3 स्थान के बाद, तो 0.125 इस सवाल का जवाब रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इतनी सी मात्र बात थी, बात तो सिर्फ इतनी सी ही थी मेरे भाई, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, टाइमर स्टार्ट। कमजोर दिल वाले मतलब ठीक है, अगर कमजोर दिल है आपका तो थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक है, नहीं कमजोर दिल है तो मतलब थोड़ा सा प्रयास करें कि हाँ ठीक है, कलेजा स्ट्रांग करें, क्योंकि बहुत खतरनाक कंपटीशन है, ध्यान रखिएगा। शाबाश, तुम आग लगा दो यार, मतलब तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप पहले से होशियार हैं तो तुम तो रगड़ देना चाहिए बड़े स्तर पे, है ना। चलो एक बच्चा है लगातार परेशान है, दक्ष की रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं आई है, तो हो सकता है ठीक है ना आई हो, मान लो सपोज नहीं आई है, तो एक बात बताओ कि अभी तुरंत क्या मतलब क्लास बंद करके हम जाके टीम को बोल के रिकॉर्डिंग अपलोड करवाएंगे कि कल, होता क्या है कि अगली क्लास से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग पहुंची है कि नहीं पहुंची है, तो कल देख लिया जाएगा। अब एक बार प्रयास करो, दक्ष में अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा तुमसे तो उम्मीद भी नहीं है इस टाइप की वो करने की, खींच के एक बार आंसर बताओ। हाँ निकल तुमको हूलेंगे कायदे से यहाँ पे। चलो
डिवाइड करते हैं 17 से, अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना लिखा है, 149 लिखा हुआ है। 17 गुड़े 8 कितना होगा, 136। 17 गुड़े 8 136, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिखा हुआ है x परसेंट, तो लिख दिया x परसेंट, और बगल में लिखा हुआ है दोस्तों 220 के बराबर, ठीक है। एक एक जीरो तो कैंसिल हो ही जाएगा, एक एक जीरो कैंसिल, 22 से कैंसिल हुआ यहाँ पे 4, 10 4 से मल्टीप्लाई होकर 40 हो गया। एक चीज़ और हम आप दोस्तों सभी को बता दें, एक चीज़ आप ऑब्जर्व किया करो कि गुरु जी पहले किस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। जब आपका टाइम खत्म हो जाए तो समझ जाओ क्वेश्चन, अब आपके पास ऑप्शन है ही नहीं क्वेश्चन टिक करने का, सही या गलत। आप ये देखा करो गुरु जी क्या परफॉर्म कर रहे हैं और उससे सीखने की कोशिश किया करो, है ना, फिर बाद में उसको खुद इंप्लीमेंट करो। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। शाबाश प्रीति गुप्ता जी, देखो ताबड़तोड़ एकदम। सुब्रत जी, कमजोर दिल वाले, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, कंपटीशन फायर लेवल पे, क्या बात है भाई सुब्रत जी, ठीक है। ओम नमः शिवाय 40, अच्छा लपेट के एकदम, हाँ उठा के फेंक दो। चलिए जी, यहां तक कहानी क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं यहां पे 36% 180 लिखा हुआ है, यानी 36% का मतलब 36%, बगल में 180 लिखा हुआ है, लिख दिया 180, डिवाइड बाय 0.4 है, यानी डिवाइड बाय हम 1/0.4 लिख सकते हैं, 0.4 से ये डेसिमल हटाओगे यहां पे 10 हो जाएगा, बस इतनी सी कहानी। अब जरा ध्यान से देखें यहां पे दोस्तों, ये जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल, 4 से कैंसिल करोगे 9 आएगा, ये 9 और ये 18 मल्टीप्लाई होकर 162, ऑप्शन नंबर डी। सवाल छोटे छोटे हैं, आवश्यकता है कि आप डील किसको पहले कर रहे हो, क्या पहले इसको परफॉर्म कर रहे हैं या इसको। अगर अप्रोच सही है तो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा, अप्रोच गलत है तो इसी में 30 सेकंड भी लगाओगे, 35 सेकंड भी लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, चलो बेहतरीन। कैसा लगता है जब आपका पहला नाम आता है, हाँ अच्छी खुशी मिलती है ना, टाइम के अंदर जब आंसर आ जाता है तो कितनी खुशी मिलती है, ठीक है भाई, ये तो बस शुरुआत है। बिल्कुल भाई, अभी आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 0.08% शुरुआत नहीं, अब हम आ चुके हैं, बीच में आ चुके हैं दोस्त, शुरुआत नहीं है ये, नोटिफिकेशन आ गया 24 मार्च को आपका, 26 मार्च ऐसे डेट थी एग्जाम डेट की। अब आपके पास बचा ही कितना टाइम, 17 फरवरी है आज, 11 दिन हो गया है ना, 17 फरवरी 11 दिन ये हो गया, जोड़ लो अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो अब टाइम वाइम नहीं है, वो तो जो बच्चे सो रहे हैं उनको सोने दो फिर, जो हाँ जिनको लगना है कि हाँ ठीक है जीवन में कुछ करना है विशेष ना, तो दिन रात जगना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जो आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 0.08% का मतलब क्या होगा, देखो एक बात बताओ, 0.08 लिखा हुआ है तो हम इसको अगर हम सिर्फ 0.08 पे फोकस करें तो 8/100 होगा, बिल्कुल सही बात, और परसेंटेज है इससे भी 100 आ जाएगा। बगल में कितना लिखा हुआ है, 555 और फिर उसके बाद 00, इतना लिखा हुआ है, हमें पहले इसी को ब्रेक करना है। अब क्या होगा कि देखो, 2 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें या फिर यूं कहें कि हम 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 111 आएगा, यहां पे कितना आएगा 20 के बराबर, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, मत काटो इसको, डायरेक्ट एक काम करो 8 से मल्टीप्लाई करो 555 को, कितना आएगा 8×5=40, 4 कैरी, 8×5=40, 4 44, 4 कैरी, 8×5=40, 4 4 मिलके हो गया 44 के बराबर। दो अंक के बाद यहां नीचे डिनोमिनेटर पे 100 है, अगर डिनोमिनेटर पे 100 है तो दो अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी ये नंबर आ गया 44.4, बगल में कितना लिखा हुआ है 16.4, अब 44 में 16 घटाओ डायरेक्ट कितना आता है 28 के बराबर, 0.4 तो घट ही गया, आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के बराबर, सब लोगों ने निकाल दिया था, निकाल दिया सबने, सब बस। आइए अगले सवाल पे, 9 सवाल हो चुके हैं, 10वां सवाल। एक बड़ा वर्ग किसी और के लिए रो रहा है, आए गजब, कमेंट भी मतलब तुम लोग खतरनाक करते हो भाई, शाबाश 150% दिख रहा है, अब आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है। अब एक बात बताएं आप लोग दोस्तों, यहां पे जैसे 150% लिखा हुआ है, मेन वही है ना कि आप
अटैक किस पे कर रहे हो इसी से डिसाइड होता है। अगर 150% पे किसी की निगाह गई तो वो क्या लिखेगा, 35 मल्टीप्लाइड बाई 150% कितना होता है, 3/2 और मल्टीप्लाइड बाई 16। जिसने इतना कर लिया उसके लिए सवाल में कुछ था ही नहीं। अब ये 22 इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ गया बराबर, यहाँ पे x आ गया। अब जवाब कितने के बराबर, तो आपने कहा यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर, और 35 × 3 कितना होता है, 105 होता है, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 840 हो जाएगा। बगल में लिखा हुआ है 22, जोड़ोगे 40 और 22 मिलकर 62 आपका आंसर आ गया। मसला यह है कि किस बच्चे ने इसको किस तरीके से डील किया, उसी से डिपेंड करता है कि आपका आंसर रिक्वायर्ड टाइम के अंदर आ रहा है या फिर ओवर कर रहे हो आप टाइम। किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी निगाह किस पे पहले जाती है, आप अटैक, क्योंकि रियल टाइम परफॉर्मेंस होती है यहां पे एग्जाम में जब बैठते हो या फिर खुद मॉक करते हो तो रियल टाइम परफॉर्मेंस होती है। ऐसा नहीं कि सवाल देख के आपको सोचने में आप 20 सेकंड लगा दें, नहीं, आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ किस पे। और ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता कि नहीं पहले यही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम दी गई नंबर्स के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोचेस बदलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा और आपका, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे देखो 10 कंप्लीट कर चुके हैं, अब स्टेज 2 में हम लोग एंट्री मारने जा रहे हैं। यहां पे सवालों का लेवल तो नॉर्मल है, लेकिन मैंने क्या किया अभी, अब आपका टाइमर कम करके आपकी मुश्किलें थोड़ा बढ़ाने वाले हैं। फाइट करने के लिए तैयार है ना आप सब, फाइट करने के लिए इस डिफिकल्ट सिचुएशन। आप 15 सेकंड, भाई देखो घबराना मत कि अगर 15 से ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन वो एक प्रक्रिया है, जिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर से निकल के ही आपको, है ना, कहा जाता है ना कि मतलब सोने को लोहे को जितना सोने को तपाओ उतना बेहतर निखरता है, तो वही एक प्रोसेस है। सब लोग तैयार हो जाओ, पहले खींच के परफॉर्म करते हैं। पहला सवाल, टाइमर स्टार्ट। स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ठीक है कर लिया जाएगा यार, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, कोई उससे कुछ बिगड़ने अभी बिगड़ नहीं रहा है, कर लिया जाएगा स्क्वायर रूट क्यूब रूट। अभी जो चल रहा है उस पर आप फोकस करो, बहुत बेहतरीन भाई। तो 15-16 सेकंड तकरीबन हमने आपके सामने टाइम दिया। अब मेन खेल यही है कि आप दिमाग में कैसे इन चीजों को लेके आते हैं। देखो 3.5 लिखा हुआ है, 7/2 होता है। अगर 2100 / 7 लिखा होता, सोचो जरा, अगर 2100 / 7 लिखा होता तो कितना आता, 300 आता, लेकिन क्या है ये 7/2 है, तो 302 में मल्टीप्लाई होगा तो 600 हो जाएगा। 900 में 600 घटाओगे वैल्यू 300 के बराबर आएगी। यहां पे कितना होगा, 202 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 606, ये 606, और यहां पे कितना आ चुका था मेरा 606, इधर आया था कितना हमारा 600 ना, 900 में से 300, इधर हमारा 606, इधर 300, 606 और 300 मिलकर के 906। तो एक बात बताएं, क्या इस सवाल में पेन चलाने की जरूरत थी, क्या इस सवाल में पेन चलाने की जरूरत थी? आपको देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन जब टाइम 15 सेकंड मैंने दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना इसमें, जो आपको दिख नहीं रहा है उसी को पकड़ के चटका देना, एकदम खींच के उसी को पकड़ के चटकाना है भाई। बात समझे, किया क्या गया यहां पे, देख जरा विचार करें। ये 2100 को मैंने कहा 2100 / 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये पोर्शन क्या आपको, ये चीज आपको मन में नहीं दिख रही थी, बिल्कुल दिख रही थी, तो ये नंबर कितना आ जाता, 600 आ जाता। और 900 में, अब देखो ये नेगेटिव का 600 है, 900 में 600 घटाते तो ये पूरा का पूरा पोर्शन, क्या आपको ये मन में 300 नहीं दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा था। अगर ये वाला पोर्शन आपको, ये इतना पार्ट आपको 300 दिख रहा था, तो इसमें क्या तकलीफ थी भाई, 202 3 से मल्टीप्लाई करोगे 606, दोनों को ऐड कर दोगे 300 और 606 मिलके 906। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं भाई, कमेंट बॉक्स में बताया जाए क्या इस सवाल में पेन चलाने की जरूरत थी। उन्हीं को जरूरत होगी जो अभी दिमाग कम पेन ज्यादा चला रहे हैं। एक ये भी एक स्टेप होता है, ये बात ध्यान रखें कि पेन कम दिमाग ज्यादा चलाएं, चीजें मन में कैलकुलेट करने की कोशिश करें। अगला सवाल 12वां आपकी स्क्रीन पे, टाइमर स्टार्ट। बोर्ड मास फॉलो नहीं कर रहा, तुम्हें दिख नहीं रहा बेटा, शाबाश, समय होता है समाप्त। इस सवाल को भी जरा विचार किया जाए, कितना लिखा है, ये लिखा हुआ है 1200, ये कितना लिखा है 550। 1200 में अगर हमें 550 घटाना है तो पूरा 1200 में 600 घटाओ, ये पूरी वैल्यू आ चुकी है 650 के बराबर। वो पूरी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 650 के बराबर, और इधर कितना लिखा है 15 × 2 = 30, यानी कितना 3000। 3000 में 650 ऐड करोगे, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ कितने लोगों ने बिना पेन के इस सवाल को सॉल्व किया, बगैर पेन के कितने, भाई देखने में तो लग रहा है नंबर बड़ी बड़ी है, पेन चलाना पड़ेगा, वो एक साइकिल होता है, एक साइकोलॉजी भी होती है। जैसे नंबर बड़े बड़े दिखे तो आप किसी के मन में आएगा भी नहीं ये चीज, मतलब बहुत बड़े वर्ग के छात्र ऐसे होते हैं जिनके मन में भी नहीं आएगा कि हाँ हम इसको बिना पेन के कर सकते हैं।
थम्स अप करिएगा अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो। नंबर्स जब बड़ी बड़ी दिखती है तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है कि हाँ ठीक है यार, मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाता है, जैसे हम करते हैं बहुत खतरनाक, किसमें, टेबल टेनिस में। हाँ, टेबल टेनिस में कभी टेबल टेनिस खेलते हुए मतलब मान लो देखने का मतलब मौका मिला आप लोगों को तो देखिएगा, या सौरभ सर से पूछिएगा, सामने वाले को मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव डाल देते हो, खतरनाक लेके पहले चार बार गेंद कड़ 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 कड़, है ना, मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव वो आप लोग के साथ हो जाता है, नंबर बड़ी बड़ी दिखी नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये नंबर 1200 दिख रही है, ये नंबर 550 दिख रही है, 1200 में आप क्या करोगे, 550 घटाना है तो राउंड फिगर घटाओ, 550 के ऊपर राउंड फिगर क्या होता है, 550 के ऊपर राउंड फिगर क्या होता है, 600, 1200 में 600 घटा दो कितना आ गया, 1200 में 6 घटाओगे 6 आएगा, 50 और, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। और यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कितना दोस्तों, 3000 के बराबर, तो 3000 और 650 जुड़ के 3650 हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया ना एकदम। अरे जब दिल से परफॉर्म करोगे तो मजा आता है, ये मैथ मजेदार चीज है ही है, मैथ तो मजेदार चीज है ही है। पंद्रह सेकंड का टाइमर दे रहे हैं आपको हम, चलो एक बार और इसमें हम टाइमर दे देते हैं 15 सेकंड का। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, दिमाग तेज चलाओ, दिमाग पे जोर डालो ना, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, पेन कम दिमाग ज्यादा चलाओ। शाबाश, 452 बताया जा रहा। अच्छा एक बात बताओ, ये इतना पोर्शन आपने मन में कर लिया कि नहीं, ये इतना पोर्शन आपने मन में किया, कर लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। भाई ये बताओ, परसेंटेज से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये परसेंटेज और 00 कैंसिल। अब 35 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, अगर इस 16 में से 2 35 को दे दें, 16 में से 2 हम 35 को दे दें, 35 × 70, 70 × 8 कितना, 560, तो ये नंबर पूरा कितना आ जाएगा, 560 के बराबर, कोई आपत्ति नहीं किसी को। हमें 1122 से 11 को, What do you want to say? Okay, I'll send this. हे भगवान, कितनी पागल सिरी हो गई है। अब यहां पे देखते हैं कितना हो जाएगा, 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 102 के बराबर, फिर यहां पे कितना, 210 के बराबर, इतनी ही कहानी है। अब इसको आप एक ही लाइन में परफॉर्म करेंगे डायरेक्ट, चाहे तो आप ऐसे कह सकते हैं 5 और 1 6 कितना, 662 में घटाना है तो 52 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, और 6 में 2 घटाओगे 452 आ जाएगा, चाहे ऐसे मतलब ऐसे भी कर सकते हो ना। देखो 560 और 102 जोड़ो तो 62 मिलकर 62, यानी कितना, 662 आ गया, और 662 में 210 घटाना है तो 62 में 10 घटा दिया, 52 6 में 2 घटा दिया, 452 आपका आंसर आ चुका है। अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 19, शाबाश, चटका के एकदम, थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए अब आपका। बहुत बेहतरीन, ठीक है जी, चलिए अब इसमें कहां तक पॉसिबल, देखो जितने जितनी चीजें आप मन में कर सकें, जितनी चीजें आप मन में कर सके उतनी पहले मन में कर लो। कैसे, ये पूरा कितना लिखा हुआ, भाई 45 को 3 से डिवाइड करते हो कितना आता है, 15, 2 जीरो है उधर, 1 जीरो यानी 150, ये 150 ये 250 मिलके हो गया कितने के बराबर, 400 के बराबर। अब यहां से देखो स्क्वायर रूट क्या क्या मिलेंगे, ये पूरा मिल जाएगा 144 के बराबर, उधर कितना आया हमारा 400, इधर कितना आया हमारा 144, 400 और 144 मिलके 544 बताया जाए, 400 और 144 मिलके 544 हो जाएगा। आप बताओ इसको कितने बच्चों ने बिना पेन के किया है, क्योंकि ये जानना जरूरी है मेरे लिए, मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि आप पेन ही चला रहे हैं, खाली वही हार्ड वर्क खेल रहे हो कि कुछ स्मार्ट वर्क की तरफ भी दिमाग जा रहा है। कौन सी ऐसा पार्ट है जिसको करने के लिए आपको पेन चलाने की आवश्यकता होगी, क्या आपको, ये कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये 150 नहीं दिख रहा है, जिसको अगर ये 150 दिखा, बगल में 250 लिखा है, तो क्या इतना पार्ट मन में कर सकते थे, 400 कर सकते थे, बिल्कुल। अरे यहां पे 144 है, यहां पे भी तो 144 ही लिखा हुआ है, 144, ये भी 144, ये भी 144, एक 144 बाहर निकाल दो, जैसे ही एक 144 आया, इतना भी तो आपके सामने नॉर्मल ही कैलकुलेशन है, इसको भी तो आप चटका ही सकते हैं। आई होप कि अब दिमाग पे थोड़ा आप जोर डाल रहे होगे, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए देखो टाइमर थोड़ा कम करने का क्या मन हो, क्या मतलब उद्देश्य हमारा होता है, जब आपके सामने कम टाइम होता है तो आप, हाँ वो हार्डवर्क वाला काम ना, कि पेन फिर पेन पे थोड़ा जोर कम देते हैं आप,
ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, 19 कंप्लीट कर चुके हैं, 20वें सवाल पे हम लोग आ चुके हैं और ये आपका समय शुरू होता है जी। खींच दिया जाए इसको भी रगड़ के एकदम, शाबाश। बहुत बेहतरीन, विदाउट पेन सारा खेल देखो कैलकुलेशन में वही है, जब सिंप्लीफिकेशन के सवाल होते हैं बस वही हम आपसे कह रहे हैं ना, टाइमर खत्म हो तो आप बस देखो कि कहां पे कौन सी ऐसी चीज जो आप नहीं कर रहे हो हम कर ले जा रहे हैं, है ना, उस पर आप गौर किया करें। अभी इसमें आपको पता है कि चूंकि सेपरेट सेपरेट तो हम इन सबको परफॉर्म कर ही चुके हैं, अब आज मिसलेनियस पे आ रहे हैं, जैसे आप एरर डिटेक्शन करते हो ना इंग्लिश में, तो पहले इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एरर करते हैं, नाउन पे कर लिया, प्रोनाउन पे, वर्ड एडवर्ब एडवर्ब ये सब पे कर लिया, फिर एक रैंडम, फिर आप एक्सरसाइज ओपन करते हो जिसमें कुछ भी हो तो उस टाइप में आपके सामने चल रहा है। इंटीजर्स को पहले अलग परफॉर्म कर ले, 6 और 5 मिलकर 11, 11 में 3 घटाओगे, 8, 8 में 2 जोड़ दिया, वैल्यू आ गई कितने के बराबर, 10 के बराबर। अब बारी है दोस्तों फ्रैक्शंस की, तो फ्रैक्शंस पे फोकस करें और ये देखें कि हमारा उद्देश्य जो होता है वो डिनोमिनेटर को बराबर करना होता है। डिनोमिनेटर को बराबर करना 11, 33, 11, 33, हमें सबको 33 बनाना है, इसलिए 11 जो लिखा हुआ है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि ये 11 इस 6 के साथ रिलेशन में है। हाँ, पूरा वैलेंटाइन वैलेंटाइन चल रहा है, 6 जो है वो 11 के साथ रिलेशन में है, इसका मतलब 11 के पास इतनी आजादी नहीं है कि वो अकेले 3 से मल्टीप्लाई हो जाए। अगर यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो ये ऊपर से जो है ना बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा है, बोला हम, तो हमने कहा ठीक है तुमको भी कर रहे, चिंता ना करो। मतलब क्या हुआ, अकेले इसमें नहीं, इसको भी मरना करना पड़ेगा और यहां पे भी हमें करना ही पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों कितना लिखा हुआ, 18, 18 में 7 जोड़ोगे, प्लस साइन है ना, तो जोड़ोगे कितना आएगा, 18, 7, 25, 25 में अब 21 घटाएंगे आप, 25 में 21 घटा दिया तो 4 आ गया, 4 में 8 जुड़ेगा तो वैल्यू 12, यहां पे आ गया 12/33 के बराबर। अब अगर 3 से कैंसिल करोगे तो ऊपर 4 नीचे 11, 4/11 आ चुका है, 10+4/11 का मतलब, अब ये प्लस हटाओ और 10 को सटा दो एकदम इसी में, 10/4, 10 सही 4/11 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सबने चटका दिया, 20 कंप्लीट कर चुके हैं, आपको वक्त का पता भी नहीं चला होगा अगर आपका दिमाग लगा हुआ है इस बोर्ड पे और आपके आप इंतजार कर रहे हो हर एक सवाल का कि चलो ठीक है इस वाले में तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया लेकिन अगले सवाल में कूट देंगे। अगर इस मेंटेलिटी से आप सेशन में कनेक्टेड हैं तो आपको अब तक वक्त का अंदाजा नहीं हुआ, वक्त का पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। 20 कंप्लीट कर चुके हैं, आखिरी 5 आपके सामने, देखो 1 से 25 तक अब खाली 25 सवाल, हम लोग को 5 सवाल बचे हैं। आपसे उम्मीदें इतनी कि आप जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज एक बार सभी लोग सेशन को लाइक जरूर टच कर दें, अगर परफॉर्म करने में मजा आ रही हो तो आप सबको, ठीक है भाई। हाँ, परफॉर्म करने में अगर मजा आ रही हो तो आप सबसे उम्मीद है कि एक बार चैट को थोड़ा सा रोके और एक बार हाँ लाइक बटन भी टच कर दें और एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में खतरनाक तरीके से, ठीक है। 20 सेकंड का टाइमर चला दे रहे हैं, इस 20 सेकंड के 15 सेकंड का टाइमर, इस 15 सेकंड में ये 2 काम आप सारे लोग कर दें और उसके बाद 21वां सवाल आपके स्क्रीन पे होगा। सभी लोगों से उम्मीद है भाई 2000 लाइक तो हो ही जाने चाहिए ना, जब 2500 लोग तकरीबन देख रहे हैं, लाइक और लाइक बराबर करने की कोशिश किया करें आप सब, ये आप ही के हाथ में होता है, बेहतर बनाना हमारा काम, बड़ा बनाना आपका काम, तो आप भी अपनी जिम्मेदारियों से, है ना। चलिए जी, 15 कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन, 21वां सवाल आपके स्क्रीन पर, टाइमर स्टार्ट होता है। अब जिसको क्यूब रूट वगैरह याद है वो तो चटका देगा भाई, बोले थे ना 20 तक के क्यूब याद रखने के लिए। अब इसमें देखो सबकी यूनिट डिजिट अलग है, अगर सबकी यूनिट डिजिट अलग है तो आप इसको बिना सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं यूनिट डिजिट मात्र से। आपने ऑप्शन में एक निगाह डाली कि भाई 1, 5, 6, 9, 4 सबकी यूनिट डिजिट अलग है, अगर सबकी यूनिट डिजिट अलग है तो जरा यूनिट डिजिट पे ही खेल जाओ ना। 8 का क्यूब रूट लोगे यहां पे यूनिट डिजिट मिलेगी 2 के बराबर, यहां पे 5 है तो इसकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी और यहां पे 4, 4 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा। साइन जो है उनको भी ऐसे शांति से आप लिख लो, है ना, जो साइन दिए गए हैं, तो होगा क्या दोस्तों जरा देखो, 4 और 2 जुड़ेगा, 6, 6 में 5 घटाओगे, 1, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। कितना सेकंड लगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन क्या आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में आया था कि हाँ ये सब भी कर सकते हैं। मसला तो वही होता है ना कि क्या आपके दिमाग में वो आया कि हाँ भाई हम ये ऐसा कर सकते थे और आपने क्या उसको परफॉर्म किया। मुद्दा सिर्फ इतना है, ऐसा नहीं कि ये चीज आप जानते नहीं है, जानते तो ही है, हर बच्चा जानता है इसको, लेकिन क्या वो रियल टाइम में आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है। जानना अलग चीज होती है, फील करना अलग चीज होती है, सबको पता है कि एक ना एक दिन मरना है, लेकिन जब महसूस करने की बारी आती है तो फिर तो हाँ फिर तो जाने ही दो, ठीक है ना, समझ गए इतनी कहानी, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, टाइमर स्टार्ट।
जल्दी भाई, शाबाश। स्क्वायर याद नहीं बाबा, याद कर लो लाल। हाँ याद कर लो, एग्जाम कोई और थोड़े देने जाएगा। ये कितना लिखा है, 17 का स्क्वायर? बोलो हाँ, 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आपको दिखा, आपको याद है 17 का स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, चुप रहते हो। कितना आएगा 17, और ये कितना हो जाएगा 1700, हो जाएगा 1700। इधर कितना है, 15 × 6 = 90, 900। इधर कितना, 1700, 9 जोड़ दो, कितना हो गया, 17 और 9 2600। 2600 में 220 घटाना, 26 में पूरा 300 घटाओ, 23 आ गया, जो कि 80 कम है 300 से, 2380 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। बिना पेन वाले कितने बच्चे हैं, बगैर पेन वाले कितने बच्चे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में। हाँ एक बार, हमने फिर कह रहे हैं, दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है आपकी, अगर आप कर पा रहे हैं तो इस चीज़ को है, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि गुरुजी करवाना क्या चाह रहे हैं, तो आप इस चीज़ को फील कर पा रहे होगे। बताओ ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप ना कर पाएं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप ना कर पाएं? क्या ये आपको 17 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है? अगर 17 का स्क्वायर दिख रहा है तो 17 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 17 170 हुआ, एक जीरो है, यानी यहाँ पे वैल्यू 1700 के बराबर आएगी। अब अगर 1700 यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो चाहे तो आप 1700 में 220 ही डायरेक्ट घटा दें, 1700 में पूरा 3 घटाओगे 14, यानी कि ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1480 के बराबर। और अगर ये 1480 के बराबर आपको दिखा, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 900, और 14 और 9 जोड़ोगे तो 2380 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, बिना पेन के किया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोशिश करें, क्योंकि जहां पे जरूरत हो वहां पे आप चलाएं पेन, हम ऐसा नहीं करें जबर, लेकिन छोटे छोटे कैलकुलेशन को मन में करना शुरू करें। 23वां सवाल आपके स्क्रीन पे, टाइमर स्टार्ट होता है। अब यहां पे तो आपको पेन चलानी पड़ेगी, है ना, पिक्चर साफ है एकदम सिद्धि तिवारी जी, शाबाश। एक बच्चे ने मैथ्स का फुल फॉर्म लिखा है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। आहा, कल्पना देखिए, मतलब कवि की कल्पना देखिए। चलिए जी यहाँ पे आते हैं, देखो इसको सवाल में थोड़ा सा इसने बढ़िया खेल खेला है। ये डिवाइड को आप जब पलट के लिखोगे तो क्या होगा, 21/19। एक बार लिख देते हैं इस चीज़ को, और 19 से काटोगे तो 190, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 19 और 21 को मल्टीप्लाई करने पे आप सबको पता है कि आता है 399, यानी 3990 हो गया ये, 3990 और 1110, 39 और 11 जुड़ता है तो वैल्यू कितने के बराबर आती है, 50 के बराबर। 10 और 10 जुड़ेगा तो वैल्यू, 90 और 10 जुड़ेगा तो 100 हो जाएगा, यानी 5100। ये हो गया पूरा 5100। 55 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 110, यानी 1100। इधर हमारे पास 5100, इधर हमारे पास कितना, 1100, घटा देंगे जवाब 4000 के बराबर। क्या आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं मन में, क्या आप इतने तक थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं करें, सब बच्चे यहां थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक बार कोशिश करके देखें, एक बार कोशिश करके देखें। हाँ मेरे साथ एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, देखो एक बार फिर से कोशिश करते हैं दोनों भाई, ठीक है ना, हो जाएगा, जरा विचार करो। आपको पता है डिवाइड है, पलटेगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 21/19 आएगा। ये 19 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारा 19 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 190। अब 21 से मल्टीप्लाई करना 19 को, 21/19 मल्टीप्लाई होगा तो भाई 21 और 19 मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टरनेट नंबर है, 20 का स्क्वायर माइनस 1 कर दिया तो 399 हो गया। कितना आएगा, 3990। 3990 को हमें 1110 में ऐड करना है, 39 और 11 मिलके 50 होता है, और 90 और 10 मिलके 100, यानी 5100 हो गया, 5100। और ये कितना लिखा हुआ है हमारा, 55 × 110, 110 का मतलब 1100, 5100 में 1100 घटा देंगे, 4000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन ऐसा फोर्स नहीं कर रहे हैं आप लोग कि आप इतने बड़े बड़े नंबर्स को आप मन में करें। हाँ इतना सलाह जरूर देंगे कि जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने दिमाग की थोड़ा आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए इन सब पे ऐसे नंबर्स पे खेला करें। जब आप नंबर से खेलोगे तो नंबर से फैमिलियर होना शुरू होगे। आपके सामने 625 आएगा, अगर 625 लिखा है तो दिल के कोने से 25 वाली आवाज आएगी ही है। कहीं पे अगर 729 या सपोज कहीं पे 512 लिखा होता है तो कहीं ना कहीं सुखबुगाहट आपकी 8 के इर्द गिर्द होने लगती है कि 8 का कुछ ना कुछ तो लोचा है। ये होता है नंबर से जब आप फैमिलियर होना शुरू होते हो। ठीक है, बाकी तो 512 भी एक नंबर ही है, कौन से ऐसे स्पेशल हो गई।
ऐसा भी बहुत बड़ा वर्ग करता है। अब इस जगह पे आते हैं, हमने कहा देखो लिख देते हैं एक बार, 36 10 लिखा था, इसको पलटेंगे तो ये कितना आएगा 21 / 19, और बगल में यहां पे 1110 लिखा हुआ है, माइनस यहां पे कितना 55 / 20 मल्टीप्लाई करोगे, 55 × 110 होता है, तो ये 1100 हो गया। अब यहां पे चाहे तो पूरा करके आप 10 लिख सकते हैं, बाकी इस जगह पे देखो कितना हो गया ये 19 यानी 190। अब ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 19 और 21 का मतलब अल्टरनेट नंबर है, 20 का स्क्वायर -1 यानी 399, 399 का मतलब 39 90, जोड़ दिया 4000 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अब समझ आ रहा होगा कि बड़े बड़े नंबर है फिर भी गुरुजी ने 15 सेकंड का टाइमर क्यों दिया है, क्योंकि ये सवाल आप अगर चाहें तो आप मन में कर सकते हैं। नहीं पेन फेंकना नहीं भाई, शुक्ला जी आद्या शुक्ला जी कह रहे हैं पेन फेंक दिए, अरे ऐसा नहीं है। नोनू जी ने 1110 और 55 20, बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया किया नोनू जी आपने, ठीक है जी, कोशिश करें दोस्तों। अब इसमें थोड़ा बहुत कुछ बच्चे पेन उठाएंगे ही, ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। देखो जहां पे देखो जहां जरूरत होगी वहीं पे हम नंबर लिखेंगे आपके सामने, जहां जरूरत होगी। जैसे अब ये कितना लिखा हुआ है आप सबको पता है, 2197 यानी 13 लिखा हुआ है, 13 का क्यूब है ये, 20 तक के क्यूब याद कर लेना, 2197 13 13 2 कितना होता है 26, ये 260 हो गया। अब 260 और इधर कितना 330, अब 260 330, हो सकता है किसी के मन में आ जाए, कुछ घबराहट से कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लो ना, ये परसेंटेज इस 00 को टर्मिनेट करेगा तो 90 × 7 कितना होता है 63 630। अब देखो ये 630 और ये 330, अब तो आसान हो गया ना, 630 में 330 घटाओगे 300 मिल जाएगा, इधर कितना लिखा हुआ हमारा, इधर लिखा हुआ है भाई 13 13 2 26, 260 260 और 300 मिल करके हो गया 560। दिमाग मेन खेल वही है कि आप परफॉर्म किसको कर रहे हैं पहले, सारा खेल इसी चीज का होता है कि आप परफॉर्म किस चीज पे कर, किस चीज को कर रहे हैं पहले, उसी से डिसाइड होता है कि आप सवाल रिक्वायर्ड टाइम के अंदर कर पा रहे हैं या आप उससे जरूरत से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अब इस सवाल को करने वाले कितने बच्चे हैं जिन्होंने पेन का इस्तेमाल नहीं किया, और कितनों ने किया है ये भी बता दिया, अगर सर मैंने किया है भाई कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा थोड़े कह रहे एक ही दिन में इतने बड़े मतलब आपका दिमाग एकदम शार्प हो ही जाएगा, खटाक से एकदम सब खेलना शुरू कर दोगे, नहीं, बस हम आपको एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आपको इसमें कोई टिकड़म याद करने की जरूरत नहीं है, समझे, हाँ कि 55 में 42 कैसे घटाना है, तुम उसको ट्रिक याद करो, कोई जरूरत नहीं है, आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, हाँ बैंक का एग्जाम देना है ना, 8वीं का एग्जाम तो नहीं देना। चलो जी कुल मिलाकर के यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमने कहा ये कितना लिखा हुआ है भाई, देखो 13 लिखा हुआ है, 13 और 20 मल्टीप्लाई होगा तो 260, ये आपके दिमाग में घूमना चाहिए। यहाँ पे मैंने कह दिया माइनस का 330 आपके दिमाग में आना चाहिए, और ये परसेंटेज 00 को कैंसिल करेगा तो 630 आना चाहिए। अब जहाँ पे देखो इतना ही लिखा हुआ है, आप जाहिर सी बात है 30 और 30 को मैच कराओगे, आप इस जगह पे लिख दोगे पूरा 300, और जैसे ही आपने 300 लिख दिया यहाँ पे, 300 और 260 जुड़ के हो गया 560 के बराबर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहा, ठीक है जी। आइए इस सवाल पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, पांचवा सवाल ये आपके सामने आ चुका है। ध्यान रखना एक बात, बैंकिंग का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल में कभी भी ऐसा 33.33 नहीं लिख के आएगा, अगर बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हो तो, ठीक है, हाँ कोनो फर्जी इसे बकवास टेस्ट सीरीज उठा लोगे तो कोई बात नहीं, उसमें तो तुम्हारे दोस्त सवाल बना के दे देगा तो अलग बात है, कुछ भी लिख देगा वो, ठीक है, लेकिन अगर IBPS ने दिया और किसी बच्चे ने क्लेम कर दिया तो IBPS के पास उसका जवाब नहीं है कि 33.33 हमारा 1/3 होता है, हमें 33.33% 1/3 होता है, बिल्कुल सही बात, लगभग 33.34% लिखा है तब भी हम इसको 1/3 ही लिखेंगे, अगर यहाँ पे 33.35 लिखा हुआ है तब भी 1/3 लिखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कभी भी सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के फ्रेम्स मिलते हैं, एक बात ध्यान रखना, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये 25 कंप्लीट होते हैं, और इस सवाल का आंसर हम होमवर्क में चाहेंगे, और होमवर्क में आंसर दे करके आप ये लिख दीजिएगा कि आपने पेन यूज किया या नहीं, ठीक है भाई, आप बता देना कि आपने पेन यूज किया, ठीक है, विद और विदाउट पेन, इसको आप आंसर मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, इस सवाल का जवाब, ठीक है, इस सवाल का जो जवाब है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे विद और विदाउट पेन। बाकी हम आपको याद दिला दें दोस्तों कि डबल वैलिडिटी लाइव है, बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख से, RBI असिस्टेंट, और सबको सलाह रहेगी कि बैच में चले जाना, दक्ष 1.0 मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए अंग्रेजी मीडियम 1.0, चैंपियन रीजनिंग के लिए 1.0, GA के लिए आशीष गौतम सर का वॉरियर 1.0, ये कंप्लीट एक फाउंडेशन बैच है,
सब लोग एनरोल करा लेना, क्योंकि हम आपको बता दें आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। किसी भी टाइम ऐसा हो सकता है कि हम लोग शाम को ये जो है हम आरबीआई असिस्टेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बड़ा वर्ग जो आप लोग कहते हो ना, बहुत बड़ा वर्ग है जो आरबीआई असिस्टेंट के लिए तमाम मेल मैसेज ठोक दिया है एकदम कि आरबीआई असिस्टेंट आ गया है, कब स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए सबको सलाह रहेगी बैच एनरोल करा लीजिएगा, ठीक है, और क्लासेस स्टार्ट करते हैं आप सब। मेरा रेफरल कोड Y179 है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, जो कुछ भी आप एनरोल कराते हैं उसमें आप डबल वैलिडिटी से बैंक महापैक का सब्सक्रिप्शन मान लीजिए आप ले रहे हैं, ठीक है, बैंक महापैक का सब्सक्रिप्शन जिसमें ये आरबीआई असिस्टेंट का भी बैच है। ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 23 फरवरी से, 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 19 फरवरी से फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है। जिनका टारगेट IBPS और SBI का है, IBPS और SBI के एग्ज़ाम है, वो फाउंडेशन में जाएं। जिनका टारगेट ये है कि हाँ भाई RBI ही निकालना है, RBI के लिए टारगेट बैच है, RBI हमारा टारगेट बैच है, वो यहाँ से क्लासेस कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि वो जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है, और विस्तार में भी देखना है, तो उसके लिए आप बैंक महापैक लें, आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी, एक लेक्चर में बेसिक कंप्लीट करो चाहे 4 लेक्चर में बेसिक कंप्लीट करो, ठीक है। चलिए डिस्काउंट के लिए वही मेरा रेफरल कोड Y179 है, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करते हुए बाहर निकलिएगा सेशन से, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।